जी आपका नाम? आतिफ श्याम नाम है। तो आपकी रैंक कितनी आई इस साल? 17,954 ऑल इंडिया कैटेगरी 7,000 समथिंग है कुछ। अच्छा, जो आपकी प्रॉपर सिटी की पढ़ाई थी इसे अपने होम टाउन कहाँ से की थी अपने अपनी पढ़ाई? हाई स्कूल ज्ञानोदय जूनियर स्कूल है और इंटर हबीब इंटर कॉलेज से। तो आप नीट को बीट कर लिया, अचीव कर लिया आपने इतना बड़ा गोल जो था, तो क्या रूटीन थे आपके तैयारी करने के, किस तरह करते थे, कितने घंटे पढ़ाई को देते थे आप? मैंने कभी घंटे गिनते नहीं पढ़ा। अच्छा, जैसे शुरू में शेड्यूल था कि रात वाला था, दिन भर कोचिंग रहते थे, पूरी रात जागते थे, लेकिन फिर घर वाले से पता चला कि रात भर पढ़ते हैं तो घर वाले पूरा मान गए कि मतलब रात सोने के लिए रात आराम से सो, सुबह फजर के टाइम उठो, फिर दिन भर। तो फिर उसके बाद क्या रूटीन बनाया आपने पढ़ने का, जब घर वालों ने मना कर दिया तो रूटीन क्या बनाया आपने? यही सुबह वाली। सुबह कै बजे उठते थे आप? फजर पढ़ने उठते थे, फिर खूब सही से नींद नहीं खुल पाती तो एक दो घंटा और सो लेते पढ़ के। ठीक है, फिर 8 बजे से रेगुलर। किस कोचिंग से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की? कानपुर में इंडिविजुअल टीचर है, फिर उसके बाद 2 साल किया, कोरोना आ गया, फिर घर आ गया, इस साल गरीब पे था। मतलब आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था कि सेकंड अटेम्प्ट? ये थर्ड था। कोई बात नहीं, आप लगे रहे, मंजिल तक पहुँचे, ये ज़रूरी होता है, भटक के भागने वाला नहीं। ऑनलाइन भी पढ़ाई की आपने? फिजिक्स में कुछ पोर्शन था जो वीक था मेरा, वही ऑनलाइन। तो ऑनलाइन किस कोचिंग? वही अलग सर, पीडब्ल्यू आदित्य, पीडब्ल्यू भी देख रहे हैं। तो बच्चे जो इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन में इस वक्त लगे हुए हैं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? अगर एक दो बार नहीं हो पा रहे हैं तो लगे रहें, और सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल से दूरी बनाए रखें, बहुत डिस्ट्रैक्शन है। आज जिसको ऑनलाइन पढ़ना है वो क्या करेगा? ऑनलाइन लैपटॉप अगर हो तो लैपटॉप से पढ़ लें। मेन सोशल मीडिया से दूरी बनाए रहें। सोशल मीडिया से, ये सही है। अच्छा ये बताइए, अगर आप भविष्य में डॉक्टर बन जाते हैं, इंशाल्लाह बन भी जाएंगे, तो आप अपनी जो कहते हैं कि क्या बोलते हैं जिसे वो फील्ड और अपना मार्गदर्शन कहीं और सिटी में देंगे या अपने होम टाउन को देंगे, मऊ ज़िले को देंगे, कोपागंज को ही देंगे? मेरा ये पूछना था, क्योंकि अधिकतर लोग जब ऊंचाई पाते हैं तो ऊंचा दिखने लगता है उनको, मतलब ऊंचा मतलब बड़ा शहर दिखने लगता है, तो उधर भागने लगते हैं, अपने लेवल खोजने लगते हैं। ये मेरा पूछना था, क्योंकि हम जहाँ से पैदा हुए हैं हमको उसको आगे ले जाना, तब हमारा समाज, हम आगे जाएंगे। हम भाग जाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ हमारा नाम होगा, लेकिन जब बदनामी आएगी तो हमारा शहर बदनाम होगा, तो हम भी बदनाम होंगे। तो आपको पागो देंगे, बेस्ट ऑफ लक। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपके पापा मम्मी को कितना खुशी मिली, और आपको जब आप रिजल्ट सुने तो आपको उस टाइम क्या फील हुआ, ये बता दीजिए। एक सर हम लोग के थे, कहा करते थे कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, सारी ईद, सारी बकरीद, सारी दिवाली, जितना भी त्यौहार है उससे बड़ी खुशी मिलेगी, और वो मिली भी, लग रहा है ना। हाँ। तो अच्छा, आज आपको पूरा जिला जान रहा है, पूरे कोपा में तहलका मचा हुआ है। हाँ, जिस गली से जाते हो तो निगाहें इस तरह देखते हो तो लगता है कोई उसी के बारे में सोच रहा है, ऐसा हो रहा है, लगता है ना थोड़ा? कोई गौर से देखता है तो कुछ भी देखता है, लगता है कि मेरे बारे में सोच रहा है, ये फीलिंग होती है ना। जिससे ऐसा जो होता है कि दूल्हा जब पहले दिन बाहर कहीं निकलता है तो दूल्हा है क्या, उसी तरह ना ये फीलिंग होती है। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको आगे जाके भी लड़ना है तो माइंड फ्रेश होना ज़रूरी है। आपने देखा हमारे साथ आतिथ्य श्याम जी थे, जिन्होंने नीट को बीट करके पूरे कोपा में तहलका मचा दिया है, और ऐसा आप भी कर सकते हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर कुछ नियम, सोशल मीडिया से दूरी बनाए और पढ़ाई से दिल जोड़े, और आप भी आतिफ जैसे एक मुकाम हासिल करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, टेक केयर एंड गुड बाय।